वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध। अगला प्रश्न है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा कुरु या पोरेश, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, ये हम्पी हो जाएगा कर्नाटक में, ऑप्शन इसका हम्पी को कर्नाटक से मिलान करेंगे। उसके बाद है नागार्जुन कोंडा, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। एक का दो और ए का दो और बी का तीन, एक कूट में मिलान करके देखेंगे। एक का दो एक ही में है, यानी कि एक ही इससे ऑप्शन से मारा जा सकता था, तो हम इसमें ए टिक मार लेंगे। उसके बाद आगे दो नहीं भी पता रहता तो ऑप्शन के अनुसार ये हो जाता। उसके बाद सी का ए हो जाएगा चार नंबर, शिशुपालगढ़ उड़ीसा, अरिकमेडु पुडुचेरी। अगला प्रश्न है, जबती प्रणाली किसकी उपज थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा अकबर का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं और ई को सुमेलित कीजिए, तो इसका हो जाएगा पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, प्रथम युद्ध 1526, दूसरा 1556, 1761 में तृतीय हुआ था। एक मिनट इसका कूट भी कर लेंगे ऊपर। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 हो जाएगा। ए का तीन सी नंबर में आ रहा है और कोई नहीं है, अगर दूसरा में रहता तीन तो और हम दूसरा एक ऑप्शन और देखते, एक ही से इसमें मरा जा रहा है। उसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध, ये हुआ था 1192। अकबर की मृत्यु 1605 और औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगा 1707 में। इस प्रकार से कूट इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था? राइट आंसर इसका हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनसे संबंधित क्षेत्रों के साथ सुमेलित करना है, तो ये हो जाएगा कुकी विद्रोह, ये हुआ था कुकी विद्रोह त्रिपुरा में हुआ था। त्रिपुरा तथा मणिपुर में 1917 से 19 में हुआ था। उसके बाद कुका विद्रोह हो गया, कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था 1849 से 72 तक में। उसके बाद हो गया पवना कृषक विद्रोह हो जाएगा बंगाल में 1873 से 76 हो जाएगा। उसके बाद बच जाएगा बिरसा मुंडा विद्रोह, ये बिहार में हुआ था, बिहार झारखंड में 1895 से 1900 में हुआ था। कूट में इसका आंसर हो जाएगा 4-1, 4 के बाद एक किसमें है दोनों हो जाएगा, उसके बाद 4-1-2, 4-1-2 आनी के डी आंसर इसका हो जाएगा कूट में। नेक्स्ट प्रश्न है,
एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन, जो 17वां अधिवेशन 1901 के द्वारा हुआ था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा घनश्याम दास बिड़ला थे। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची को सूची दो से मिलान करना है। एनी बेसेंट ये हो जाएगा एनी बेसेंट गृह शासन आंदोलन 1916। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह 1917, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व लखनऊ अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, और अंबिका चरण मजूमदार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व लखनऊ अधिवेशन 1916 हो जाएगा। कूट में सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? राइट आंसर इसका होगा शिवालिक ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पुलिकट झील के समीप ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 12 हो जाएगा ऑप्शन सी। ये हो जाएगा सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार। अगला प्रश्न है, वेम्बनाद झील है, वेम्बनाद झील केरल में है, इसका लंबाई 96.5 मीटर है और चौड़ाई 14.4 किलोमीटर है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 96.5 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई हो गया 14.4 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। उष्णकटिबंधीय बांध हो जाएगा साइलेंट वैली, ऑप्शन इसका ए के चार देखेंगे। ए के चार में एक ही हैं, यानी कि कूट से भी हम बाकी के ऑप्शन लगा सकते हैं, तो इसका ए के चार में डी हो जाएगा। अगर इसमें एक भी पता था तो ये लग जाता। उसके बाद हो जाएगा बी का दो, यानी कि शंकु ब्रिज वन हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हो जाएगा कच्छ वनस्पति, ये हो जाएगा सुंदरबन, पतझड़ वन ये हो जाएगा तीन नंबर में राजस्थान। अगला प्रश्न है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मेघालय में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। कालपोंग जल विद्युत परियोजना का निर्माण उत्तरी अंडमान के डिगलीपुर नामक स्थान पर कालपोंग नदी पर 2001 ईस्वी में किया गया है। यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र जल विद्युत परियोजना है। इसका निर्माण राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम NHPC के द्वारा की गई है। कालपोंग नदी का उद्गम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक उत्तरी अंडमान से होती है। इस परियोजना की कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता 5.25 मेगावाट है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन की जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कर्नाटक में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा नंबर में तमिलनाडु हो जाएगा सेकंड नंबर, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है?
सही उत्तर इसका हो जाएगा डिगबोई असम, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। इसका स्थापना असम में जो हुआ है 11 दिसंबर 1901 को, 11 दिसंबर 1901 को हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बालको, ये छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला में है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला में नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मुंद्रा, ए आंध्र प्रदेश के जगह गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सही उत्तर इसका हो जाएगा थार, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सूची एक और सूची दो से मिलान कराना है, इसको देख लेना है। बुल्गारिया ये हो जाएगा, बुल्गारिया हो जाएगा सोफिया, बुल्गारिया हो जाएगा सोफिया से, एक का तीन दो में है, एक में है और सी में है। तो अगला देखेंगे जॉर्जिया, जॉर्जिया हो गया तिबलसी, और देखना है 1 का 3 2 का 4 फिर वैसा ही है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे आइसलैंड, आइसलैंड का हो जाएगा रिकयाविक, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद है नॉर्वे हो जाएगा ओस्लो। अगला प्रश्न है, ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ताना झील से, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रशांत महासागर में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा संसद के किसी भी सदन के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, ये जो हो जाएगा शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, ये सुमेलित नहीं है। 73वां था पंचायती राज से, 74वां हो जाएगा जो शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण होगा, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा, 73वां की जगह 74वां हो जाएगा। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है? राइट आंसर इसका न्यायिक व्याख्या, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गोवा में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि क्या होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था आम चुनाव में? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1989 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। संविधान की
आठवीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बंगाली, ऑप्शन ए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श हैं ऑल इंडिया रेडियो का, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा उत्तराखंड में। इसका निर्माण 1936 में किया गया था, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। 1936 में उत्तराखंड में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1977 में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955, और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पृथ्वी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा वेनेजुएला को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, गिल्ट एंड बाजार किसे संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्रिजिल हो जाएगा, केयर हो जाएगा, इकरा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, लिपिड है, लिपिड क्या है? तो एस्टर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बिना उपग्रहों वाला ग्रह है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बुध और शुक्र, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सी आंसर, दोनों बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। लीची में खाया जाने वाला भाग है एरिल, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसकी रचना है? राइट आंसर इसका हो जाएगा चार्ल्स डार्विन का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बैगनी का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रम खाली स्थान को अभिव्यतित करने की इकाई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तरंग धैर्य, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ब्रोंज काशा एक मिश्रण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कॉपर एवं टीन का, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इज्जत नगर उपी में है। इसका स्थापना 1890 में किया गया था, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बॉक्साइट, ऑप्शन सी। यकृत लीवर के अध्ययन को कहते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा हेपेटोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है? सही उत्तर अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पिट्यूटरी, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर 1932। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? सही उत्तर इसका डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा 1948 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है?
सही उत्तर इसका हो जाएगा 3.25 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी। पदार्थ के संवेग मोमेंटम्स और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा द्रव्यमान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सम्मिलित क्रम है? सही उत्तर इसका रेडियम, ये मैडम क्यूरी के द्वारा 1898 में किया गया था। रेडियम का आविष्कार मैडम क्यूरी 1898। उसके बाद हो जाएगा पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये किए थे 1928 में। ए का दो बी का ए। इसका आंसर कूट से आप आगे लगा सकते हैं, इसका ए का दो और बी का एक ए नंबर में है, तो कूट में ए टिक मार देंगे। उसके बाद एक्सरे सी में है, तो सी का चार हो जाएगा। डब्ल्यू केरो एंटीजन 1895 में। उसके बाद हो जाएगा चेचक, एडवर्ड जेनर ये किए थे 1796, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन गैसीय चक्र नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा H2, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा एक जीव अन्य तीन जीवों के वर्ग का नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा केकड़ा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? राइट आंसर इसका तेलंगाना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के दो संदिग्ध मामले सामने आए हैं? राइट आंसर घाना हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ चीता को फिर से पेश करने और वन्यजीव संरक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा नाम्बिया, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संस्थान ने छोटे निर्यातकों को समर्थन देने के लिए बढ़ा हुआ निर्यात ऋण जोखिम बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ECGC, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, चीन और किस देश द्वारा सी गार्जियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पाकिस्तान, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा असम, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, दानों के आकार के आधार पर मोटे अनाजों को कितने भागों में बांटा गया है? सही उत्तर इसका दो भागों में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी। HEI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में किस शहर का औसत PM2.5 स्तर सबसे अधिक है? राइट आंसर इसका मुंबई हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पालन 1000, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा अरुण जेटली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गुलाम नबी आज़ाद, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा यूको बैंक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है?
राइट आंसर इसका हो जाएगा 40वां, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 21 सितंबर को, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा INS अजय P-34, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गरुड़ एरोस्पेस, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक कांग्रेस यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पेटियल कांग्रेस 2022 का मेजबान कौन सा शहर है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन सी। महिला इंडियन से प्रीमियर से लीग से IPL से किस वर्ष से आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर 2023 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 107वां, ऑप्शन सी। भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लद्दाख, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह के से बाहर कर दिया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ईरान, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन पर नया परीक्षण किया है? राइट आंसर USA, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक से यूनिक से अल्फा न्यूमेरिक से पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा भोपाल में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा डॉक्टर जेरेमी फरार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 1937 में बिहार का पहले प्रधानमंत्री कौन बने? सही उत्तर इसका हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, पहले CM को प्रधानमंत्री भी कहा जाता था, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। बिहार में पहली जैन संगीति कहाँ हुई? सही उत्तर इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र। ईसा पूर्व में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। 1942 में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भागलपुर के सुल्तानपुर समानांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा रामदयालु सिंह, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जब बिहार में पहली बार से राष्ट्रपति शासन लगा तब मुख्यमंत्री कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। मुंगेर स्थित गर्म से जल कुंड से मूलतः खालिस्तान की पहाड़ियों में स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बराबर, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। बिहार के किस जिले में नीलगाय से संबंधित राज्य का पहला शोध संस्थान खोला जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा बक्सर, ऑप्शन सी। बिहार सरकार से के सरकार सेवक अपनी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग से बिहार तकनीकी सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में अब अधिकतम से कितनी बार भाग ले सकेंगे? सही उत्तर इसका हो जाएगा 5 बार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार उद्योग विभाग ने पहली बार जो औद्योगिक विकास की रैंकिंग से जारी की है इसमें प्रथम स्थान पर कौन जिला है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वैशाली, ऑप्शन सी।